मेरा नाम अब्दुल रशीद है, मैं जम्मू कश्मीर किसान तहरीक का स्टेट कमेटी मेंबर हूं। आज पूरे मुल्क में भारत बंद है, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से भारत बंद है। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक इस बंद का पूरा समर्थन करती है। पिछले साल 17 सितंबर को पार्लियामेंट में जो बिल पास हुई है, जिसमें एंटी थ्री फार्म लॉज पास किए गए हैं, उन फार्म लॉज के खिलाफ जम्मू कश्मीर किसान तहरीक श्रीनगर, कुलगाम और जम्मू में आज एहतजाज पर है। जब तक ये काले कानून वापस न लिए जाए, तब तक किसान तहरीक संयुक्त मोर्चे के साथ साथ खड़ा बखड़ा, शाना बाना शाना खड़ा है। आज हाल ही तीन कानून जो पिछले साल फरवरी में लागू किए गए हैं, जिसमें प्रोड्यूस फार्म कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोड्यूस फार्म कॉमर्स एंड ट्रेड एक्ट है, जिसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जिसमें प्राइस एश्योरेंस एक्ट है। इसमें सबसे बड़ी गलती की बात क्या है, उसमें एमएसपी की गारंटी नहीं है। एमएसपी की गारंटी जहां नहीं है, वहां एपीएमसी मंडियां जो है उनका कयाम जो किया गया है वो खत्म हो रहा है आइंदा दिन ब दिन। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी सनत जो है वो हॉर्टिकल्चर है। अगर आप गाँव की तरफ, शोपियान सोपोर की तरफ आ जाओगे, कुलगाम की तरफ जाओगे, तो आज प्राइवेट मंडियां कायम की गई है, जिसे एपीएमसी मंडियां खत्म हुई है, जहां पर कोई गारंटी नहीं है आपको पैसा मिलेगा। प्राइवेट फार्मर्स वहां पर सेब ले रहे हैं और इनका शामो शाम कहीं पता नहीं है वो कहां जाती है। एपीएमसी मंडी में आपको सबसे बड़ा फायदा यह है। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।